Hello and a great welcome and a very fine morning from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely absolutely fine. तो बड़े सेशन में अब चर्चा करेंगे आज जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की, करेक्ट? तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है, इस पर मेरे कुछ बताने लायक बात नहीं है. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं. कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मान लेते हैं कि उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं. सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिपार्टमेंट जो डील करता है, लेट अस से पेपर्स में डील करता है, करेक्ट? ये स्टेशनरी में डील करता है और ये डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स में डील करता है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके तीन डिपार्टमेंट्स हैं. नेचुरल सी चीज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात में इंटरेस्ट रखेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से फंक्शन कर रहा है. क्या वो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पे फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पे प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा. अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम रेमेडियल एक्शन ले सकें, उसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें. तो इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. अभी मैंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पे फंक्शन या ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो ये तुम कैसे देखोगे? तुम ये देखोगे कि इनका नफा नुकसान क्या है. अब नफा नुकसान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है. यानी कि इस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो मेन थीम है, जो ध्रुवी है, वो ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, करेक्ट? जैसे कि तीन डिपार्टमेंट हैं, पेपर डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी और कंप्यूटर, तो हमें इन तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. तुम अलग अलग भी बना सकते हो, कंबाइंड भी बना सकते हो, वैसे हम कंबाइंड ही बनाएंगे. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो बेसिक प्रॉब्लम है जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम इनका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे? देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होती है जो सेग्रीगेटेड फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक इस डिपार्टमेंट का इसका और इसका इतना इतना है, या इसी तरह से क्वेश्चन में हमें दी हो सकती है कि सेल्स इन डिपार्टमेंट की इतनी इतनी है, परचेजेस इन दोनों इन डिपार्टमेंट के इतने इतने हैं, या क्लोजिंग स्टॉक इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इतना है. लेकिन अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मान लेते हैं कैरेज का खर्चा है. अब प्रॉब्लम यह है कि जो कैरेज का खर्चा है, मान लेते हैं उसने बस ये दे दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा इस साल जो है 50,000 का करा या 60,000 का. तो प्रॉब्लम क्या आती है, उन खर्चों को इन डिपार्टमेंट में हम कैसे बांटें? यानी कि जो खर्चे तो बट करके, जिसको तुम बोलते हो एलोकेशन, यानी कि जो एलोकेटेड है, यानी कि जो बटे हुए हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे खर्चे जो अनएलोकेटेड है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग से नहीं दिए, तो बेसिकली हमें उनको बांटने का आर्ट आना चाहिए. मेन चीज जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करनी है वो ये करनी है. यानी कि जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो एलोकेटेड अमाउंट्स में या एलोकेटेड आइटम्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो अनएलोकेटेड आइटम्स हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी. तो अनएलोकेटेड खर्चों को, जो हमें कंबाइंड दिए हुए हैं, जो अलग अलग या सेग्रीगेटेड करके नहीं दिए हुए हैं, तो उनको हमें किस तरीके से बांटने हैं उसके कुछ रूल्स होंगे जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. एक तो ये करना आसान सा चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है. लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जब आप इस चैप्टर को करें, इससे पहले ब्रांच आपने जरूर करा हुआ हो, करेक्ट? उसके अलावा बाद में देखेंगे. जहां तक सवाल है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसा कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा डीपली चैप्टर को कवर करेंगे, कवर करते हैं. तो पहला सेक्शन इसमें भी मैंने करीब 5 या 6 सेक्शन रखे हुए हैं. बिसाइड्स एमसीक्यू का एक सेक्शन मैंने अलग से रखा हुआ है. तो 4 या 5 सेक्शन हमें करने पड़ेंगे. एक पहले सेक्शन में हम देखेंगे सिंपल एलोकेशन या सिंपल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी. दूसरा जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हमें कुछ चीजें देखनी होंगी और ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है मैनेजरियल कमीशन का. डिपार्टमेंटल मैनेजर के जो कमीशन होंगे वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ये टॉपिक भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट का एक टॉपिक है. यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट का क्या मतलब होगा, ये जब हम टॉपिक करेंगे तो तब हम देखेंगे, करेक्ट? तो इस तरीके के इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने तुम्हें दिए हुए हैं. उसके अलावा
मैंने कहा एक टॉपिक हमने बिल्कुल सेपरेटली रखा है, एमसीक्यू का टॉपिक है, और तो ये तमाम टॉपिक्स हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने हैं. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए हैं. तो इनको करने के बाद मुझे उम्मीद है फिर आपको चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, थोड़ा सा आप मेरे साथ पहले लिख लें, फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? जैसे हमेशा की तरह हम करते हैं, पहले थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन हम कर लेते हैं. तो आज मेरा रेड पेन कहाँ चला गया है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था. चलो मिल गया है फॉर्चुनेटली. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पहले तो आप टॉपिक लिखें, और उसके बाद थोड़ा सा आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मेन इश्यूज पे आएंगे. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा बहुत आइडिया मैंने अभी आपको दिया है. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, अगर कोई आपसे पहला ही क्वेश्चन ये कर ले, तो अब आप मुझे बताओ कि आप उसका आंसर इस केस में क्या दोगे. अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से देंगे. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स. सेपरेट डिपार्टमेंट कह लो, सेपरेट सेक्शंस कह लो, वो आपकी मर्जी है. डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस, कुछ भी जो लिखना है लिख सकते हो, और सेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्या थे, पेपर था, स्टेशनरी था, कंप्यूटर था. एंड तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का सिंपल वर्ड में मतलब है अकाउंट्स रिलेटिंग टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फिर मैंने ये भी बताया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, करेक्ट? एंड अडॉप्टेड, यानी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, एंड अडॉप्टेड टू नो, अभी मैंने आपको आंसर दिया था, टू नो अबाउट, क्या आंसर दिया था, कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं. बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं, अडॉप्टेड टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग क्योंकि जब हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पता लगेंगे ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो तभी हमें पता लगेगा कि परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पर है या नहीं. तो अब आपसे कोई पूछे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या हैं, तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर द आंसर कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में अकाउंट से है जो कि रिलेट करते हैं सेपरेट सेक्शंस को या सेपरेट डिपार्टमेंट्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन के. ये इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि प्रत्येक डिपार्टमेंट के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हमें हासिल हो सके, और उसके अलावा हम उसको एसेस कर सके कि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या है. अभी मैंने कुछ लंबा पहले यह भी बताया था कि अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें रिजल्ट्स फाइंड करने पड़ते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट का. तो इसके लिए हमें एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है. अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कॉमा in order to know operational results, a departmental trading and profit and loss account is prepared. And profit and loss account is prepared.
तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। मैंने ये भी बताया था जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो किन आइटम्स में हमें दिक्कतें आ सकती है। व्हाइल प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट with respect to unallocated items, problem arises, क्योंकि उन्हें हमें बांटना पड़ेगा जो unallocated खर्चे problem arises। तो जो unallocated खर्चे किस डिपार्टमेंट में कितना डेबिट करे, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने कहा, तो उनको हम कैसे एलोकेट करेंगे। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, तो जो अनएलोकेटेड खर्चे हैं उनको किस तरीके से हम एलोकेट करेंगे, अब आपको ये मालूम होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करते हैं, तो इसमें भी लिखें आप ए एक्सपेंसेस सच एज सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका ताल्लुक सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से है, या जो हमने क्रेडिट में सेल करी है उनकी रिकवरी से है। सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कॉमा कैरेज ऑन सेल्स, जिसको तुम कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हो। कैरेज ऑन सेल्स, एक होता है कैरेज ऑन परचेजेस, उसका मतलब होता है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज ऑन सेल्स का मतलब कैरेज आउटवर्ड्स होता है। आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस या आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंस, ये जितने भी खर्चे मैंने लिखे हैं तुम देख रहे हो उनका ताल्लुक जो है सेल्स से है, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से। आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, अगर ये अनएलोकेटेड हैं, जो कि मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन में अनएलोकेटेड मिलेंगे, गोडाउन रेंट है, स्टोरेज का खर्चा है, स्टोरेज या डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक सेल से होता है, जबकि डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक परचेजेस से होता है। डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा आर एलोकेटेड, अब इनको हम जो एलोकेट करते हैं आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। अब इस लाइन का भी क्या मतलब है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हम मान लेते हैं केवल दो डिपार्टमेंट हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट की जो सेल्स हैं वो 3 लाख और 1 लाख रुपए की। अब मान लेते हैं मुझे गोडाउन रेंट को डिवाइड करना है, क्योंकि गोडाउन रेंट मान लेते हैं हमें 40,000 का दिया हुआ है और वो अनएलोकेटेड दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग करके नहीं दिया, तो मैं इन डिपार्टमेंट में कैसे बांटूंगा। सेल्स रेशियो, जो सेल्स टर्नओवर है उसका रेशियो लूंगा जो कि 3:1 है। इसका मतलब 30,000 का खर्चा मैं डिपार्टमेंट ए में दिखा दूंगा और 10,000 का खर्चा मैं डिपार्टमेंट बी में दिखा दूंगा। ये मतलब है कि सेल्स टर्नओवर के हिसाब से हमने उनको डिवाइड करना है। एक तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, बी इजी चैप्टर है, मैंने पहले ही कहा कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस सच एज कैरेज ऑन परचेजेस,
अगर कोई खर्चा है कैरेज ऑन परचेजेस, जनरली कैरेज ऑन परचेजेस का मतलब अभी मैंने कहा भी था, कैरेज इनवर्ड से होता है, जब हम कोई सामान लाते हैं तो सामान को लाने में कुछ खर्चा हो सकता है। कैरेज का मतलब वैसे लिटरल इंग्लिश में होता है छोटे मोटे ठेलों में सामान लाना, जब हम फ्रेट वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर के आना। एक्सपेंसेस सच एज कैरेज ऑन परचेजेस या डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आर एपोर्शन। अब इनको हम एपोर्शन करते हैं, एपोर्शन का मतलब बांटते हैं, एलोकेट करते हैं, एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस। तो इनको परचेजेस रेशियो में, जो परचेजेस का रेशियो होगा उसके बेस पर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक एक्चुअली परचेजेस से होता है। उसके अलावा कुछ खर्चे हैं जैसे रेंट एंड रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो इनको हम जो अपोर्शन करेंगे, इनको हम अपोर्शन करेंगे फ्लोर एरिया के हिसाब से। फ्लोर एरिया तो भी प्रत्येक डिपार्टमेंट ने, प्रत्येक डिपार्टमेंट का एरिया होगा उसके रेशियो के हिसाब से इन खर्चों को डिवाइड करा जाएगा। ऐसा ही कुछ कुछ चैप्टर आप कॉस्टिंग में ओवरहेड्स में करते थे अगर आपको याद हो तो, करेक्ट। तो वही चीज यहां पर भी है। उसके अलावा डी, अगर लाइटिंग का खर्चा है तो लाइटिंग का खर्चा आपकी कोशिश तो ये होगी कि फ्लोर एरिया के हिसाब से हम डिवाइड करें। क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स दिए हैं तो आप लाइट पॉइंट के हिसाब से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, करेक्ट। या तो फ्लोर एरिया के हिसाब से करेंगे या लाइट पॉइंट के हिसाब से करेंगे। उसके अलावा डेप्रिसिएशन का खर्चा है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर ऑफ एन एसेट है, रिपेयर ऑफ एन एसेट। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, एक तो इंश्योरेंस मैंने अभी लिखाया था, वो बिल्डिंग का लिखाया था। अगर ये खर्चे तुम्हें दिए हुए हैं तो इनको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करने के लिए मैं क्या लूंगा, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब है, मान लो डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया है, अब डिपार्टमेंट ए में जो एसेट है वो 5 लाख का है, डिपार्टमेंट बी में 10 लाख का है, तो वैल्यू क्या है, 5 लाख और 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ एसेट का जो रेशियो होगा उसके हिसाब से मैं इन खर्चों को डिवाइड करूंगा। कभी कभी वैल्यू ऑफ एसेट एग्जामिनेशन में नहीं दी रहती, तो उस केस में तुम इनको टाइम बेसिस पर करोगे। अब टाइम बेसिस पर कैसे करेंगे वो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो तुम्हें तभी बता पाऊंगा, टाइम बेसिस, करेक्ट। वैसे तो ये आइटम तुम्हारी लेवल पे आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले तो पॉइंट ये है, ग्रुप इंसेंटिव्स, तुमने कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रुप इंश्योरेंस, सॉरी मैंने ग्रुप इंसेंटिव बोल दिया, ग्रुप इंश्योरेंस। तो बल्कि ये इससे पहले जब तुमने कॉस्टिंग में लेबर नाम का मटेरियल, लेबर आपके जो टॉपिक्स है, लेबर का जब टॉपिक्स करा होगा तो उसमें शायद ये पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ाया तो कोई बात नहीं। इसको हम अधिकतर डायरेक्ट वेजेस के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस को। उसके बाद है पावर, पावर का जो खर्चा है, अगर क्वेश्चन में हॉर्स पावर्स दी हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम ऐसे करते हैं हॉर्स पावर एचपी इंटू आर्स वर्कड, तो दोनों डिपार्टमेंट में हम देखेंगे हॉर्स पावर कितनी है और आर्स वर्कड कितने हैं, फिर उनका रेशियो निकालेंगे और उसके बाद फिर हम पावर के खर्चे को डिवाइड करेंगे। उसके बाद सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, बाय चांस ये खर्चा तुम्हें एग्जामिनेशन में दिया है,
सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, तो इसको एलोकेट करा जाएगा टाइम स्पेंट ऑन ईच डिपार्टमेंट, टाइम स्पेंट ऑन ईच डिपार्टमेंट। सपोज वर्क मैनेजर की सैलरी 1,00,000 रुपए है और तुम्हारे दो डिपार्टमेंट हैं ए और बी। मान लेते हैं टोटल 1,000 घंटे की सर्विसेज वो देता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, जिसमें से 400 घंटे डिपार्टमेंट ए में, 600 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगते हैं। तो टोटल जो टाइम स्पेंट होगा उसका जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से इसको डिवाइड करा जाएगा। कभी दिया हो, अगर कोशिश मेरी हो रही है कि कोई भी खर्चा छूटे ना, कैंटीन, लेबर वेलफेयर, मेडिकल बेनिफिट, तो जनरली इस तरह के जो खर्चे होते हैं इनका ताल्लुक एम्प्लॉयज से माना जाता है। तो इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका रेशियो ले लेंगे और उस हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा है, प्रोविडेंट फंड या ESI एम्प्लॉई सिक्योरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है, तो इसको तुम या तो वेजेस के हिसाब से डिवाइड करोगे, और वेजेस नहीं है तो फिर सैलरी के हिसाब से डिवाइड कर देना। तो इस रेशियो में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो मेन मुद्दा बेसिकली इस पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपल सी चीज है कि हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए। जो एलोकेटेड खर्चे हैं वैसे के वैसे ही लिख देंगे, जो अनएलोकेटेड नेचर के खर्चे हैं उनमें थोड़ा सा हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो अगर तो आपके पास मेरी बुक्स है जो कि कमर्शियल लॉ हाउस से पब्लिश हो चुकी है, अगर कई बच्चे कहते हैं सर नोट्स दे दो, खासतौर से जो ऑनलाइन लेते हैं क्लासेस किसी पर्टिकुलर लेक्चर की, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वो कमर्शियल लॉ हाउस से जो मेरी बुक निकल चुकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास ऑलरेडी हमारे नोट्स या बुक्स हैं तो वो अपने नोट्स या बुक्स को निकाल लें। तो अब तुम देख ही रहे हो इसकी लेंथ और ब्रेथ देख करके, मैंने कहा कि ये इसके नोट्स हैं टोटल, ठीक है ना, इतने नोट्स हैं और इतने सेक्शंस हमने इसमें करीब रखे हुए हैं। खैर, अब सबसे पहले तो आइए डायरेक्टली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। हम पहले तो समझने की कोशिश करते हैं जो भी अभी तक हमने ओवरव्यू करा वो हमारी समझ में कितना आया। 1.1 में कहता है यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए बिजनेस हैविंग टू डिपार्टमेंट्स, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 3 2023। तो तुम्हें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000 और 20,000। देखो ये तो एलोकेटेड खर्चा है जो अलग अलग करके दिए हुए हैं, परचेजेस भी दी हुई है, सेल्स भी तुम्हें दी हुई है, उसके अलावा सेल्स रिटर्न्स भी तुम्हें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी अलग करके दिया है, वेजेस और सैलरी भी अलग अलग करके तुम्हें दिए हुए हैं। अब नीचे उसने क्या लिखा, नीचे उसने लिखा अदर कॉमन एक्सपेंसेस वर एज फॉलोस। अब ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं, कॉमन का मतलब है ये अलग अलग करके नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट के खर्चे हैं कंबाइंड फॉर्म में। रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का, डेप्रिसिएशन का, सेलिंग एक्सपेंसेस का। पॉइंट ये है कि इन खर्चों को किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी। जैसे कि उसने दिया है सम अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोस, जैसे कि लाइट पॉइंट्स उसने तुम्हें दिए। मैंने बताया था ना लाइट पॉइंट्स का यूज करा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी या पावर के केस में, और डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट दिया है तो उसके हिसाब से कर देंगे, रेंट को हम फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, और उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस है तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स रेशियो के हिसाब से हम करते ही हैं। तो बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स का हमें ख्याल करना होगा। अब इस क्वेश्चन को, अब आप ये शीट अपने सामने रखना, क्योंकि अब बार बार मेरे लिए शीट को सामने रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टाइटल लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 1.1। तो 1.1 में सबसे पहले तो हमने बनाया सेक्शन वन, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने यहां पर लिखा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023, वो तुम हमेशा लिखा करोगे एग्जामिनेशन में। अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी कि सिंपल वर्ड्स में हमें कॉलमिनर फॉर्म में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कॉलमिनर फॉर्म में हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने, मेरे ख्याल से इतने में आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ए मैंने एक कॉलम में लिखा, डिपार्टमेंट बी, यानी कि हम ए और बी दोनों का कंबाइंड बना रहे हैं। ए और बी जो भी फिगर्स है उनको तुम लिखोगे। ये प्रिलिमिनरी चीजें एग्जामिनेशन में जरूर कर लेनी चाहिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो जो आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक तुम उसको लिख लो। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड 25,000 है, तो 25 तुमने यहां लिख दिया। डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड 20,000 का खर्चा है, वो तुमने डिपार्टमेंट बी में लिख दिया। उसके अलावा फिर तुम्हें परचेजेस का खर्चा दिया हुआ है, तो परचेजेस का खर्चा तुमने नोट करा, और परचेजेस का खर्चा उसने दिया है 2,30,000। जाहिर है ये खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। और 1,00,000 कितना दिया है, 1,90,000। फिर सेल्स का खर्चा दिया है, सेल्स का खर्चा तो नहीं दिया, सेल्स दी हुई हैं। अब सेल्स जो दी हुई हैं, तो सेल्स का अमाउंट तो 6,33,000 मैंने लिख दिया, यहां पर कोई बात नहीं। और कितना दिया है, 4,00,000। शीट थोड़ी दूर रखी हुई है, मेरे को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो 4,92,000। लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन में तुमने देखा सेल्स रिटर्न भी दिए हुए हैं, यानी अब तुम चाहो तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके डायरेक्टली 6,30,000 और 4,90,000 लिख सकते थे। अब तुमने माइनस नहीं करा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार हम कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता और हम सेल्स की फिगर लिख चुके होते हैं और बाद में ख्याल आता है यार सेल्स रिटर्न भी था, तो तुम्हें काटने वाटने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्स रिटर्न तुम्हें मालूम है कि सेल्स में से माइनस करी जा सकती है, तो वो तुम कर सकते थे, तुमने नहीं करा तो कोई बात नहीं। तुम ऑपोजिट साइड में, उसकी ऑपोजिट में सेल्स रिटर्न लिख लो, बात एक ही है। तो सेल्स रिटर्न 3,000 और 2,000 तुमने डेबिट साइड में उसको लिख दिया, तो इसका मतलब सेल्स 6,30,000 की, इसका मतलब 4,90,000 की तुमने रिकॉर्ड कर दी। उसके अलावा फिर तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का जो है वो 30,000 का है, तो 30,000 तुमने लिख दिया। डिपार्टमेंट बी का 18,000 का है, तुमने 18,000 का लिख दिया। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है, तुम्हें मालूम है कि वेजेस का ताल्लुक, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। अब ये काम करने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद सैलरीज का खर्चा भी है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता हूं, और मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब मैं कंप्यूट करूंगा, तुम लोग हमेशा चेक करा करो, चेक करने के बाद लिखा करो। अब मैंने तो डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूं, 3,25,000, 2,38,000, क्योंकि क्या होता है कई बार हम बोलते भी हैं समझाते भी हैं, तो कई बार हो सकता है कोई फिगर ही हम गलत लिख ले, तो जो सही फिगर है वो आप खुद ही लिख लिया करें। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ब्रॉड डाउन के रूप में लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट 3,25,000, 2,38,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बताओ, इस लेवल पे आप आ गए हो, मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो कई बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट ठीक तरीके से जैसे बताना चाहिए बता नहीं पाते। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि जो हमारी सेल्स है और जो हमारी कॉस्ट है उसके बीच का जो फासला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरीज तो तुम्हें एलोकेटेड फॉर्म में दी हुई है, तो सैलरीज का खर्चा 40,000, 25,000 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की हमें और तुम्हें नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि पहला खर्चा है रेंट, अब रेंट को किस रेशियो में डिवाइड करें तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, करेक्ट। तो रेंट अब मान लेते हैं तुम कैसे इसको डिवाइड कर रहे हो और कहां पर कर रहे हो, तुमने इसके आगे वन लिख दिया, वन का मतलब है तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर वन। अब कहीं वर्किंग नोट नंबर वन में तुम एग्जामिनर को यह बताओ कि तुमने रेंट के खर्चे को किस तरीके से डिवाइड करा। पहले तो रेंट का खर्चा कितना है उसको अच्छी तरह से नोट करो, सर 15,000 का खर्चा है।
अब 15,000 का जो खर्चा है, इस खर्चे में, इस खर्चे को तुम किस बेसिस पर कर रहे हो? फ्लोर एरिया के हिसाब से कर रहे हो, यह भी तुमने एग्जामिनर को बता दिया। अब अगर तुम ये भी बताना चाहते हो कि भाई इसमें 15,000 में ए का कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा, तो तुम वो बता सकते हो। जैसे कि तुम्हें मालूम है कि ए का जो हिस्सा होगा 15,000 इंटू, अब पहले तो ये देखो ए का फ्लोर एरिया कितना है। ए का फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट में 300 स्क्वायर फीट है और उसका 200 है, तो इसका मतलब टोटल फ्लोर एरिया 500 है। तो 1/5 का खर्चा तो ये हो जाएगा, 9,000 मेरा हो जाएगा और 15,000 इंटू 200 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 500 स्क्वायर फीट, तो 2/5। इसका मतलब 6,000 रुपये का जो खर्चा होगा रेंट का, वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? डिपार्टमेंट बी में जाएगा। इस तरीके से वर्किंग करके तुम यहां पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो 9,000 और 6,000, इस तरीके से इसको करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब इसी तरीके से अगला पॉइंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, पहले तो ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रिसिटी का टोटल अमाउंट है 6,000। किस बेस पर इसको आप डिवाइड करेंगे? लाइट पॉइंट के हिसाब से करेंगे, लाइट पॉइंट्स। अब जब लाइट पॉइंट के हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो लाइट पॉइंट्स दोनों में कितने हैं? 18 और 9। तो 18 और 9 के हिसाब से आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 6,000 इंटू 18 लाइट पॉइंट्स डिवाइडेड बाई टोटल लाइट पॉइंट 27, यानी कि 4,000 का खर्चा तो डिपार्टमेंट ए में जाएगा और डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा? 6,000 इंटू 9, 9 का मतलब 9 लाइट पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 27 टोटल लाइट पॉइंट्स, और 2,000 में यहां लिखूंगा और उसके बाद डिवाइड करने के बाद मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से अनएलोकेटेड खर्चों को किस तरीके से एलोकेट करना है, ये इसमें मेन आर्ट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। 4,000 2,000 यहां तक ठीक है। और इस टॉपिक में से, इस टॉपिक का मतलब डिपार्टमेंटल में से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आने की रेगुलरिटी काफी हाई है। और उसके बाद फिर खर्चा डेप्रिशिएशन का दिया है। अब डेप्रिशिएशन का खर्चा, पहले तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हम आ गए। वर्किंग नोट नंबर 3 में आप, मैंने डेप्रिशिएशन का खर्चे का वर्किंग नोट आपके सामने बनाया। अभी अभी मैंने कहा कि जो डेप्रिशिएशन का खर्चा है वो वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से हम एलोकेट करेंगे। तो पहले तो आपने पॉइंट नंबर 3 के वर्किंग नोट में लिखा डेप्रिशिएशन, उसका टोटल खर्चा लिखा। डेप्रिशिएशन का खर्चा है कितना? डेप्रिशिएशन का खर्चा 18,000 रुपये है, 18,000 है। किस बेस पर कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कि दी हुई है, डिपार्टमेंट ए की 1,50,000 रुपये की वैल्यू का एसेट है और डिपार्टमेंट बी में 1,20,000 की वैल्यू का एसेट है। इसको थोड़ा और छोटा कर लो, 15:12, ताकि रेशियो कंप्यूट करने में तुम्हें आसानी हो। ये और भी कम हो सकता है, 3 से इसमें चले जाएगा 4 और 3 5 15, तो 5:4 के रेशियो में तुम इसको डिवाइड कर दो। तो अल्टीमेटली 18,000 का जो खर्चा है उसमें डिपार्टमेंट ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू 5/9, अरे बाबा आएगा या नहीं आएगा? डेट इज 10,000। तो 10,000 रुपये का खर्चा डिपार्टमेंट ए में हम डेबिट करेंगे, जहां तक सवाल है डेप्रिशिएशन का। और डिपार्टमेंट बी में जो होगा 18,000 इंटू 4/9, डेट इज इक्वल टू 8,000। तो इस तरीके से इस खर्चे को भी मैंने एलोकेट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो 10,000 और 8,000 का खर्चा मैंने यहां बांट दिया। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में मुझे क्या बताना, ध्यान से सुने पहले मेरी बात को। कुछ इतना भी ये नहीं कि इजी के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट और फाइनर पॉइंट्स को तुम भूल जाओ, बच्चे यही करते हैं। छोटा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा तो बस केयरलेस हो जाती है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 8,000। ये किस बेस पर तुम करोगे? सेल्स टर्नओवर के बेस पर करेंगे। अब सेल्स टर्नओवर, अगर मैं तुमसे पूछूं डिपार्टमेंट ए की सेल्स कितनी है, तो तुम्हारा आंसर 6,33,000 हो सकता है। तो ये काम मत करना, जब हम सेल्स टर्नओवर रेशियो लेंगे तो नेट सेल्स को देखेंगे। 6,30,000 की सेल्स है,
इसी तरह से तुम डिपार्टमेंट बी को देखोगे, डिपार्टमेंट बी में टोटल सेल्स तुम्हारी कितनी की है, डिपार्टमेंट बी में टोटल सेल्स जो है वो 4,92,000 माइनस सेल्स रिटर्न 4,90,000 की मानी जाएंगी, यानी कि सेल्स रिटर्न माइनस करके जो आएंगी उसके हिसाब से तुम करोगे। इसको हम आगे और कर लेते हैं 63:49, फिर 7 से भी इसमें चले जाएगा मेरे ख्याल से, तो 7 और 9, तो 9:7 के रेशियो में तुम करोगे। डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा आ जाएगा 8,000 × 9/16, तो 4,500 रुपए डेबिट करेंगे हम डिपार्टमेंट ए में, और डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 8,000 × 7/16, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 3,500। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 4,500 ये तुमने लिखा सेलिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर तुमने लिखा, और जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी तो मैं आपको और भी क्विक रूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप फटाफट यहां पर कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है तो घबराने की कोई बात नहीं। सेल्स एक्सपेंसेस कितना निकला था, 4,500, और कितना निकला था, 3,500। अब जाहिर है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनका नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लें, तो नेट प्रॉफिट जब मैं अब निकालूंगा तो नेट प्रॉफिट जो आएगा कितना आएगा, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, तो नेट प्रॉफिट 2,52,500 डिपार्टमेंट ए का आना चाहिए और 1,93,500 आना चाहिए डिपार्टमेंट बी का। तुम इसको चेक करोगे, चेक करने के बाद देखोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ये आ जाएगा। इसको कहीं से मुश्किल क्वेश्चन कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। अब लीजिए जी, अब उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला क्वेश्चन मैंने देखा, और अगला क्वेश्चन है 1.2। अब 1.2 को देखें, शीट्स काफी ज्यादा हो गई है, मैं कुछ शीट्स हटा लेता हूँ, सेक्शन वाइज रख लेता हूँ, ठीक है। पहले सेक्शन की शीट्स मैं अभी रख लेता हूँ, बल्कि यहां तक रख लेता हूँ। अननेसेसरी ज्यादा शीट्स रखने से मुझे भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है। 1.2 को देखें, वो कहता है फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2023। अब परचेजेस का अमाउंट आपके सामने, आपके पास तीन डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए बी और सी, परचेजेस हैं, वेजेस हैं आपके पास, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बीच में उसने दिया। अब कई बच्चे सोचेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे बांटें, बाबा पहले तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है कुछ खर्चों को डिवाइड करने के लिए, सॉरी। तो उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ, उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है एसेट्स की वैल्यू, तो इसका यूज करेंगे हम बाद में किसी पर्टिकुलर आइटम को डिवाइड करने के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह। इसी तरह नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं, तो लाइट का जो खर्चा होगा उसको इसके हिसाब से हम सेग्रीगेट करेंगे। फ्लोर एरिया का यूज जनरली रेंट को सेग्रीगेट करने के लिए करा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया है, फिर सेल्स का अमाउंट तुम्हें दिया है। अब उसने एक्सपेंसेस की लिस्ट तुम्हें दी हुई है, एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड कहता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 22,000 के हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, डेप्रिशिएशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये क्वेश्चन है, टेक्निकली क्वेश्चन करा जा सकता है खुद भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अब इन शीट्स को मैं थोड़ा सा एक तरफ रख दूं पहले, तो क्योंकि बार बार फिर रखना पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1.2 को देखें। अब 1.2 में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले तो इसमें तीन डिपार्टमेंट हैं, इस बात का ख्याल करना। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आ जाना चाहिए, देखते हैं। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, ए बी और सी।
इस क्वेश्चन में पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक है नहीं। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस पहला आइटम तुम्हें दिया हुआ है, तो परचेजेस को आप लिखेंगे, और परचेजेस का जो अमाउंट है डेट इज 1,50,000। और उसके अलावा 3 लाख। तो परचेजेस का अमाउंट तुमने लिखा, उसके बाद वेजेस का अमाउंट लिखेंगे। वेजेस का अमाउंट एलोकेटेड तुम्हें दिया हुआ है 3,00,000, 4,00,000 और 6,00,000। 3 लाख, 4 लाख और 6 लाख, ये तुम्हें दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एसेट्स की वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, फिर एरिया, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तुम्हारे पास है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल्स की वैल्यू भी है, तो पहले मैंने सेल्स लिख ली। सेल्स का अमाउंट 6,80,000 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 8,70,000 है और डिपार्टमेंट सी का 9 लाख है। सेल्स के अमाउंट के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स भी लिख ली, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का जहां तक सवाल है, 60,000, 90,000 एंड 1,40,000, 1,40,000, करेक्ट। उसके बाद पहला काम तो ये है कि मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, करेक्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, या यूं कहें कि आना चाहिए, 2,90,000 वैसे आपका आएगा डिपार्टमेंट ए का, और आप चेक करके लिखेंगे 2,60,000 आएगा और 1,40,000 आएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हासिल करने के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, डेट इज 2,90,000, 2,60,000, 1,40,000। अब नीचे जो खर्चे दिए, एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, एक तो उसने कहा स्टाफ वेलफेयर का खर्चा है, करेक्ट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर का जो खर्चा है, उस खर्चे को किस रेशियो में आप डिवाइड करेंगे, ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। तो उस रेशियो को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मैंने कहा इसका ताल्लुक एम्प्लॉयज से होता है, तो इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप ब्रैकेट में लिख लो, और एग्जामिनर को तुमने बता दिया कि हमने इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करा है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो रेशियो है 30:40:40 है, यानी कि 30/110, 40/110 एंड 40/110। तो जो ये खर्चा है इसको आप इस रेशियो में बांटेंगे, स्टाफ वेलफेयर को, तो 6,000 को इस रेशियो में हमने बांटने हैं, करेक्ट। स्टाफ वेलफेयर का जो खर्चा है वो 22,000 है, सॉरी 22,000 में इंटू 30 मैं करूं, डिवाइड बाई 110 करूं, तो आ जाएगा 6,000, फिर आ जाएगा 8,000 और फिर आ जाएगा 8,000। ये तो था स्टाफ वेलफेयर का खर्चा। उसके बाद आपके सामने खर्चा है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब जहां तक सवाल इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इलेक्ट्रिसिटी को किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, लाइट पॉइंट के हिसाब से करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो आप लाइट पॉइंट्स को देखो कितने हैं, अगर लाइट पॉइंट्स क्वेश्चन में मौजूद हैं तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से करिए, क्वेश्चन में मौजूद था 20:32:8। तो इस रेशियो में 20:32:8 के रेशियो में जो खर्चा है एक्सपेंसेस का इलेक्ट्रिसिटी का 18,000 है। अब 18,000 के खर्चे हैं, तो 18,000 इंटू 20, पहले तो कितना हो जाएगा, 20+32 52 52+8 60 हो जाएगा। तो इस रेशियो में आप इसको डिवाइड कर ले 20/60, 32/60 और 8/60 में, तो डेट इज इक्वल टू 6,000, 9,600 एंड 2,400। या तुम अलग से वर्किंग करके जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसे भी दिखा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा तुम्हारे सामने रेंट एंड रेट्स का है, और वो 14,400 का खर्चा है।
रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का खर्चा 14,400 का है, और मैं बताने की जरूरत नहीं कि ये फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड करा जाएगा। तो 14,400 को फ्लोर एरिया तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एरिया जो दिया हुआ है स्क्वायर फीट्स में, वो ध्यान रखना 900 स्क्वायर फीट है पहला, पहला जो है वो 900 स्क्वायर फीट है, फिर 1,200 स्क्वायर फीट है, और फिर 300। तो 9:12:3 के रेशियो में तुम इस खर्चे को बांटोगे, और खर्चा है 14,400, तो 5,400, 7,200 और 1,800, तो इस तरीके से इस खर्चे को तुमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर डेप्रिशिएशन का खर्चा है, डेप्रिशिएशन का खर्चा वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो डेप्रिशिएशन, तो नेक्स्ट खर्चा मैंने लिखा डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट है जो हमें दिया है 24, इसको हम करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एसेट मौजूद है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से, वैल्यू ऑफ एसेट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख 4 लाख 3 लाख, इसका मतलब 5:4:3 के रेशियो में 24,000 का ये जो खर्चा है इसको तुम डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 10,000, 8,000 और 6,000। इस तरीके से डेप्रिशिएशन का ये खर्चा भी तुमने डिवाइड कर दिया। इस खर्चे को डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट आइटम है तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को तुम लिखोगे सेलिंग एक्सपेंसेस, पहले तो खर्चा कितना है, खर्चा है 12,250। सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करा जाएगा, सेल्स रेशियो, तो ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स। अब सेल्स तीनों डिपार्टमेंट में 6,80,000 की, 8,70,000 की, 9,00,000 की है, यानी कि 68:87:90 इस रेशियो में आप इसको डिवाइड कर देंगे सेलिंग खर्चों को। तो 12,250 के 50 है टोटल अमाउंट, तो 3,400, 4,350 और 4,500, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, करेक्ट। मैंने बताया सेलिंग रेशियो 68:87:90 आ जाएगा, करेक्ट। तो शॉर्ट करने के बाद 68 + 87 + 90, पहले तो उसका टोटल कर ले, 245 आ जाएगा, तो 68/245 और इसी तरह 87/245 और फिर उसके बाद 90/245 करके इस एक्सपेंसेस से मल्टीप्लाइड करोगे, ये फिगर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद फिर हमें नेट प्रॉफिट ही फाइंड करना पड़ता है, तो नेट प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, और नेट प्रॉफिट जो आपका आएगा 2,59,200 इस डिपार्टमेंट का, 2,22,850 इस डिपार्टमेंट का, और 1,17,300 इस डिपार्टमेंट का, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आएगा, नेट प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद 1.2 के बाद अगला जो क्वेश्चन है 1.3 वो आप खुद कर सकते हैं, उसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन 1.4 को देखें। 1.3 तुम्हारे होमवर्क के लिए भी है और सॉल्व भी है। 1.4 को देखें अब आप। 1.4 जो है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा कंपैरेटिवली अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं, हालांकि ये सब क्वेश्चन अभी सेक्शन 1 से ही डील कर रहे हैं, सेक्शन 1 अपने आप में टफ नहीं है। द ट्रेडिंग, अब इस क्वेश्चन की पहली लाइन को ही बहुत ध्यान से समझना है। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टीवी डीवीडी कंपनी लिमिटेड फॉर द हाफ ईयर, यानी कि जो सारी डिटेल्स हमें दी हैं ये आधे साल की दी हैं, और आधा साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, तो ये आधी साल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन उसने क्या दी, पहले तो उसने क्या दिया कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो टीवी डिपार्टमेंट और डीवीडी डिपार्टमेंट में डील करता होगा, तो
अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उससे तो ऐसा ही लग रहा है, उसके अलावा भी हो सकता है कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है। तो उसने कहा जो डिपार्टमेंट टीवी है, जो उसने उसके आगे ए लिख दिया, यानी कि इसका डिपार्टमेंट नाम ए हो गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ए, अब आप ये कह सकते हैं एक जो है वो टीवी से रिलेट करता है और डिपार्टमेंट बी जो है वो डीवीडी से रिलेट करता है, और नीचे अब मुझे पता लगा और आपको ही पता लगा कि एक और डिपार्टमेंट है सी, जो जिसका ताल्लुक स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग से है। तो अब उसने बताया कि इन तीनों डिपार्टमेंट की परचेजेस इतनी इतनी हैं, सैलरी एंड वेजेस तुम्हें कंबाइंड फॉर्म में दी हुई हैं, अलग अलग करके नहीं दिया, रेंट भी अलग करके नहीं दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी अलग करके नहीं दिया है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जरूर तुम्हें दे दिया है, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का क्या प्रॉफिट रहा। सेल्स उसने कहा जो टीवी डिपार्टमेंट है उसने टीवी बेचे 1,50,000 के, डीवीडी बेचे डिपार्टमेंट बी ने 1,00,000, और जो हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सर्विसिंग देता है और रिपेयर्स करता है उसकी जो रिसिट रही यानी कि उसका जो टर्नओवर रहा वो 25,000 का रहा। बाकी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें तीनों डिपार्टमेंट के उसने दिए हुए हैं, टीवी का, डीवीडी का, स्पेयर पार्ट्स का। तो अब नीचे कह रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट ए बी सी मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या पता लगा कि टीवीडी और डीवीडी आर सोल्ड एट द शोरूम एंड सर्विसेज एंड रिपेयर्स आर कैरीड आउट एट द वर्कशॉप। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को पहले बहुत अच्छी तरह आपको समझना होगा। देखो मैं अपनी कोशिश करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की। पहले तो मान के चलो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मैंने माना पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। नीचे की इस इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे की इन्फॉर्मेशन से मुझे अभी अभी ये पता लगा, मुझे मतलब आपको ये पता लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा होगा उसको शोरूम का नाम दिया गया है, शोरूम, और एक हिस्सा है जिसको कि वर्कशॉप का नाम दिया गया है, वर्कशॉप। और अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमें यह भी पता लगा, जैसा कि पहली इंफॉर्मेशन में उसने लिखा कि टीवी और डीवीडी शोरूम में, जो शोरूम का पार्ट है उसमें सोल्ड होते हैं। इसका मतलब शोरूम जो है उसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और बी, अब हम कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं जो डिपार्टमेंट ए है उसका ताल्लुक टीवी की सेल से है, और जो डिपार्टमेंट बी है उसका जो ताल्लुक है वो डीवीडी की सेल से है। अब ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। और वर्कशॉप के अंदर उसने हमें बताया कि डिपार्टमेंट सी है क्योंकि वो रिपेयर्स एंड सर्विसिंग में डील करता है, रिपेयर्स एंड सर्विसिंग ये इसमें डील करता है, ये हमें बताया गया है कि नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन सब आपके सामने क्लियर हो गई। अब उसने हमें ये भी बताया कि जो सैलरी एंड वेजेस हैं कंप्राइज एज फॉलोस। अब उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा जो सैलरी और वेजेस हैं उसमें से 3/4 तो शोरूम के लिए, वर्कशॉप के लिए 1/4 है। पहले तो इस लाइन का क्या मतलब निकला, देखो यहां पर पहला, इनफैक्ट ये वर्किंग नोट एक तरीके से मैंने पहले ही कर दिए आपको समझाने के लिए। वर्किंग्स पहले हम सैलरी से रिलेटेड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सैलरी का खर्चा हमने पढ़ा था, वो शीट कहां चली गई, पहली शीट देखो यहां पर, सैलरी एंड वेजेस का खर्चा 48,000 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा 48,000 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया है, 48,000 ये तो उसने हमें दिया हुआ है। अब उसने हमें क्या बताया नीचे की ये जो इंफॉर्मेशन उसने दी, उसने बताया ये जो सैलरी का खर्चा है इसमें शोरूम और वर्कशॉप, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा का पूरा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वर्कशॉप है एक शोरूम है। उसने कहा जो सैलरी एंड वेजेस का खर्चा है, पहले तो उसने कहा 3/4 का ताल्लुक जो है शोरूम से है और 1/4 का ताल्लुक वर्कशॉप से है। तो अगर मैं कहूं कि 48,000 का खर्चा है 3/4 शोरूम से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 ऑफ 48,000 अगर मैं कंप्यूट करूं तो वो 36,000 आ जाएगा, और 1/4 ऑफ 48,000 में करूं तो ये 12,000 आ जाएगा। चलो एक चीज तो हमें पता लगी कि वर्कशॉप जो है
उसमें एक ही डिपार्टमेंट है, तो ये 12,000 का खर्चा तो डिपार्टमेंट सी का आ गया, लेकिन ए और बी का कितना खर्चा है ये हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि शोरूम के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो उसके लिए उसने आगे हमें और इन्फॉर्मेशन दी है। आगे उसने हमें क्या कहा, शीट नंबर ये है, आगे उसने कहा इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब उसने बताया कि जो शोरूम में सैलरी का खर्चा है उसको डिपार्टमेंट ए और बी में 1:2 के रेशियो में करना है, यानी कि 36,000 का 1/3, यानी कि 12,000 का खर्चा डिपार्टमेंट ए को होगा और 2/3 का खर्चा यानी कि 24,000 का खर्चा डिपार्टमेंट बी को एलोकेट करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के जो सैलरी एंड वेजेस का खर्चा है 48,000, डिपार्टमेंट ए में 12 जाएंगे, डिपार्टमेंट बी में 24 जाएंगे और डिपार्टमेंट सी, क्योंकि वर्कशॉप में एक ही डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट सी, तो 12,000 का खर्चा उसमें जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्किंग मैंने आपके सामने पहले करी। इसी तरीके से उसने आगे की इंफॉर्मेशन भी हमें लिखी है। आगे की इंफॉर्मेशन में उसने कहा इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट, सॉरी द वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, उसने ये बताया रेंट के बारे में। पॉइंट नंबर टू में द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। अब बड़े स्टाइल से उसने ये दिया है हमें। पहले तो अगली वर्किंग, वर्किंग नोट नंबर टू, इसका ताल्लुक रेंट से है। रेंट का खर्चा तुमने देखा शीट नंबर वन, जो कि कहां चली जाती है बार बार, रेंट का खर्चा जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है 10,800 रुपए दिया हुआ है। रेंट का खर्चा 10,800 तुम्हें दिया हुआ है। अब ये जो 10,800 का खर्चा है, अब इसने हमें क्या बताया, देखो यहां पर इसने हमें ये बताया कि ये जो 10,800 का खर्चा है इसमें से वर्कशॉप का कितना खर्चा है ये इसने तुम्हें बता दिया। बताओ जरा वर्कशॉप का खर्चा कितना होगा, आप बताओ। मैं तुम्हें एक बार फिर से लाइन पढ़ देता हूं। उसने कहा वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से वर्कशॉप का खर्चा है, तो बताओ वर्कशॉप का रेंट कितना होगा, जल्दी बताओ ना। 500 पर मंथ कितना होगा, 500 × 12, यस गलत है। मैंने कहा यह गलती हो सकती है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन की बिगनिंग में ध्यान से रखना। उसने कहा आपकी बार 6 महीने का ट्रैक देखना है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो दिया हुआ है तुम्हें, उसने कहा फॉर दी 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, तो हमें 6 महीने को लेकर के चलना है। तो ये गलती 99.99% स्टूडेंट करेंगे, तो इसलिए वर्कशॉप रेंट 500 × 12 मत कर देना, 500 × 6 करेंगे। तो तुम्हें पता लग गया वर्कशॉप का रेंट जो है 500 × 6 3,000 है, और हमें यह मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वर्कशॉप में एक शोरूम में। अगर तुम्हें वर्कशॉप का खर्चा पता लग गया रेंट का, तो शोरूम का खर्चा कितना होगा, टोटल 10,800 है। अब 10,800 में से 3,000 रुपए का रेंट का खर्चा आपने निकाल लिया वर्कशॉप का, तो इसका मतलब शोरूम का खर्चा 7,800 है। अब हम कह सकते हैं, और उसने क्वेश्चन में हमें बता ही दिया कि जो शोरूम का खर्चा है वो डिपार्टमेंट ए और बी में इक्वली जाएगा। डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में इसको हमने इक्वली बांटना है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए और बी में जब मैं इक्वली बांटूंगा तो 3,900 डिपार्टमेंट ए में जाएगा, 3,900 डिपार्टमेंट बी में जाएगा। इस तरह उसने रेंट के बारे में दे दिया। इसी तरह से फिर अगला खर्चा सैलरी एंड वेजेस हो गया, रेंट हो गया, अब एक ही खर्चा बच गया सेलिंग एक्सपेंसेस। और सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी बता दिया। उसने कहा सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स टर्नओवर रेशियो के हिसाब से हमने डिवाइड करने हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखूंगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 11,000 है। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स टर्नओवर के हिसाब से करना है, यानी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं ए बी और सी, इनकी जो सेल्स हैं पहले तो मुझे वो देखनी पड़ेंगी। सेल्स हमें क्वेश्चन में दी है कि डिपार्टमेंट ए की 1,50,000 की है, डिपार्टमेंट बी की 1,00,000 की है, डिपार्टमेंट सी की जो सेल्स है वो 25,000 की है। अब तुम इसका रेशियो ले लो, तो 1:4:6, तो 6:4:1 के रेशियो में सेलिंग एक्सपेंसेस को तुम बांट दोगे। अब सेलिंग एक्सपेंसेस जो 11,000 के हैं, अब मैं कह सकता हूं उसमें से 6,000 का खर्चा डिपार्टमेंट ए में, 4,000 का खर्चा डिपार्टमेंट बी में और 1,000 का खर्चा डिपार्टमेंट सी में लगा होगा।
करेक्ट। तो ये मैंने वर्किंग्स पहले ही कर दी, अब इसको करने के बाद तो एक मिनट का काम है इसको पूरा करना। तो डिपार्टमेंटल, अब मेन सॉल्यूशन मैंने यहां से शुरू करा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टाइटल आपका ये है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का है, ये भूलना नहीं है। नहीं भूलना है, तो एक तो है डिपार्टमेंट ए जिसका ताल्लुक टीवी से है, एक ताल्लुक डीवीडी से है, एक है डिपार्टमेंट सी जिसका के ताल्लुक रिपेयर्स एंड सर्विसिंग से है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। सबसे पहला आइटम उसने परचेजेस का दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो परचेजेस हो सकता है बिजनेस ही इन्होंने 6 महीने पहले स्टार्ट करा हो। परचेजेस 1,40,700 किए, पहले तो उसको तुम लिखोगे, उसके बाद 90,600 किए फिर उसको लिखोगे, 64,400 किए फिर उसको लिखोगे। परचेजेस का अमाउंट लिखने के बाद फिर उसने तुम्हें सेल्स की फिगर भी दी हुई है, तो पहले तो जो दिया हुआ है उसको फटाफट नोट कर लेते हैं। सेल्स है 150,000, 1,00,000 और 25,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर तुम्हारे को गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक तुमने लिखा, क्लोजिंग स्टॉक जो है डिपार्टमेंट ए का कितना है, 60,100, 60,100, 20,300 डिपार्टमेंट बी की है, 20,300, और 44,600 जो है 44,600 वो डिपार्टमेंट सी की है। इनफैक्ट हम इस पोजीशन में हैं कि यहीं पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में और नहीं है। देखो सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, अगर सैलरी एंड वेजेस की बजाय वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो मैं डायरेक्टली उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानता। तो सबसे पहले तो अब तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट तुम कंप्यूट करोगे तो 69,400 डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा, 29,700 डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा, और डिपार्टमेंट सी का थोड़ा कम आएगा, 5,200। ग्रॉस प्रॉफिट को तुम ब्रॉड डाउन करोगे तो 69,400 डिपार्टमेंट ए का, 29,700 डिपार्टमेंट बी का, 5,200 डिपार्टमेंट सी का। अब जो तुम्हें खर्चे दिए हैं आगे के सैलरी एंड वेजेस, वो तुम वर्किंग नोट से ऑलरेडी निकाल चुके हो। हमने वर्किंग नोट में देखा डिपार्टमेंट ए में 12,000 का खर्चा जाएगा, और वर्किंग नोट नंबर जो सैलरी एंड वेजेस का हमने करा था, 24,000 डिपार्टमेंट बी में जाएगा, डिपार्टमेंट सी में 12,000 का खर्चा जाएगा। फिर अगला आइटम रेंट का था, वो भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि रेंट का खर्चा डिपार्टमेंट ए और बी में 3,900 और 3,900, क्योंकि दो डिपार्टमेंट शोरूम से रिलेट करते हैं, और 3,000 का खर्चा वर्कशॉप का है, यानी कि डिपार्टमेंट सी का है। तो ये भी तुमने कर लिया। उसके बाद फिर तुम्हें क्या दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा 6,000, 4,000 और 1,000 है। अब इन खर्चों को टैली करने के बाद नेट प्रॉफिट मैंने जब निकाला, तो डिपार्टमेंट ए में तो नेट प्रॉफिट है अब की बार 47,500। इनफैक्ट ये जो पूरा डिपार्टमेंट, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है 34,500, अगर मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इकट्ठे कंप्यूट करता तो 34,500 आ जाता, लेकिन उससे मेरी एनालिसिस नहीं हो पाती। तो अब मुझे पता लगा कि डिपार्टमेंट ए की काबिलियत या सलाहियत 47,500 का प्रॉफिट अर्न करने की है, जबकि बाकी दोनों डिपार्टमेंट लॉसेस में जा रहे हैं, नेट लॉस। जो डिपार्टमेंट बी है, अगर आप उसका लॉस कंप्यूट करेंगे तो वो 2,200 है,
और जो डिपार्टमेंट सी है उसका लॉस 10,800 है। इसका मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कम हो रही है और वो एक ही परफॉर्मेंस को भी धूमिल कर रहा है। तो इस तरह डिपार्टमेंट अकाउंट से हमें एनालिटिकल डिसीजन लेने में मदद भी साबित होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.4। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और 1.4 के बाद ये जो आपको दिया हुआ है एग्जामिनेशन प्रॉब्लम 4 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, खुद ही करने लायक है। बस इसमें आपको ये बताना है कि ये जो खर्चे हैं इनको किस बेसिस पर, जो कि मैंने थियोरेटिकल नोट्स में आपको लिखा दिया है, किस बेसिस पर आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे ये आंसर मैंने दिए हुए हैं। इसी तरह 1.6 है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में आऊंगा तो नेक्स्ट सेक्शन जो है अब यहां से कहानी थोड़ा सा चेंज होगी और ये क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा टफर लेंथ की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।